कहाँ जा रही सौम्या? तुम्हारे सर पे फोड़ दूँ। फोड़ दे। हाँ, आ जाओ लो। आएंगे बहुत ही जल्दी, इसमें हम शूट कराएंगे बहुत ही जल्दी। बहुत प्रिटी ड्रेस है ना सौम्या, ये बहुत सुंदर पीस। क्या मानना था, ऐसे इधर नहीं देखना। क्या मान मान के तो इतना बड़ा आदमी बन गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डग्स वर्सेस सौम्या। सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं अभी उठी हूँ। ब्रश वगैरह किया है लेकिन दक्ष अभी तक नहीं उठे हैं। ये देखो, ये जनाब अभी तक सो रहे हैं। अब मैं इनको उठाऊंगी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। आज फिर से सर में दर्द हो रहा है, तो चलो दक्ष को उठाते हैं, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज हम क्या करते हैं। ये देखो अभी तक सो रहे हैं। इनकी 8:30 बजे की मीटिंग है और इन्होंने मुझे बोला था कि 8 बजे मुझे उठा देना। उठो ना, अरे 8:30 बजे की आपकी मीटिंग है। तो मैं सोने दे, अभी 6 बजे। 6 नहीं बजे हैं, 8 बजे हैं। और जल्दी से बता दो कि ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे। मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और पहले मेरा थोड़ा सा सर दबा दो यार, मेरे सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है फिर से। सो जा थोड़ी देर, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर मीटिंग के लिए लेट हो जाओगे। तो यार आपको नहाना भी है, ब्रश करना है, खाना खाना है। चलो उठो, उठ जाओ। पता है मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो नहीं, कुछ नहीं कर रही मैं आपको परेशान नहीं कर रही। उठ जाओ। क्या सर दर्द है, तू ब्लॉग क्यों बना रही है यार? नहीं नहीं, थोड़ा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। फ्रेंड्स फाइनली मैंने दक्ष को उठा दिया है और दक्ष चले गए हैं ब्रश करने के लिए। हेलो, इधर देखो क्या कर रहे हो, दिखाओ क्या कर रहे हो। ये देखो जनाब ब्रश कर रहे हैं। लेट नहीं हो रहे? हाँ उठा दिया। हाँ अच्छा, ये बताओ कि ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? पागल कर रखा है, पागल। ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे वो छोड़ो, वो तो मैं आज से थोड़ा ना कर रखा है। बहुत दिन से कर रखा है। ओट ओट ब्रेकफास्ट में। और बताओ ये क्या है? तो फाइनली मैं जा रही हूँ दक्ष के लिए ओट्स बनाने के लिए। उसके बाद दक्ष बैठ जाएंगे अपनी मीटिंग पे और फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। उससे पहले थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ यहाँ का, इधर उधर का। लेट्स सी। तो फाइनली दक्ष की हो चुकी है मीटिंग शुरू और दक्ष अपने किसी स्पॉन्सर से बात कर रहे हैं। बाकी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। नरेश जी, आई एम जस्ट कनेक्टेड ऑन जूम, कैन यू प्लीज सेंड द पासकोड ऑफ दिस मीटिंग। या यस, आई एम कनेक्टिंग विद द सेम पासकोड दैट यू हैव सेंट मी यस्टरडे थ्रू व्हाट्सएप। आई एम अनेबल टू कनेक्ट, कैन यू प्लीज फॉरवर्ड इट वंस अगेन। Done. Yes, I'm waiting. Just connecting in 5 minutes, huh? तो फाइनली मेरी मीटिंग हो गई है और सौम्या भी नहा के आ गई है और फटाफट से अब हम खाना खाने वाले हैं जो सौम्या मुझे खिलाने वाली है। और अब सौम्या फटाफट से मुझे कराएगी ब्रेकफास्ट क्योंकि वो भी नहा के आ चुकी है। स्टैंड कहाँ पे लगाने वाली हो मैडम? बाहर। ओके, तो अब हमें मिलने वाला है खाना क्योंकि हमारी मीटिंग हो गई है। सुबह हमने करी है मेहनत और मेहनत के बाद खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो सौम्या आज क्या बनाने वाली ब्रेकफास्ट में? ओट्स के लिए बोला था आपने। हाँ, ओट्स तो बनाए अभी तक नहीं? बन चुके हैं। तो ओट्स बन चुके हैं अब फाइनली दक्ष मीटिंग से पहले। तो आज मैंने पहने व्हाइट कलर के कपड़े और मैंने सौम्या से भी कहा था
की मैचिंग कर लियो और मेरे साथ व्हाइट कलर के कपड़े पहन लियो और बहुत अच्छी लग रही है। और आप बताना आपको हमारे दोनों व्लॉग कैसे लगे, जो हमने गुड न्यूज का दिया था और हमने अपने हॉस्पिटल विजिट का भी डाला था, वो आपने देखा है कि नहीं? वो आपने हमारा व्लॉग देखा है कि नहीं हमें जरूर बताना। इतना कैमरे को क्यों हिला रहे हो, हर बात का जवाब बताओ, क्यों हिला रहे हो भाई? हाथ में तू पकड़ ले ले, नहीं सुंदर नहीं लगूंगी फिर। अच्छा सुंदर है ही नहीं तो ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि अपना हम लोग आज करने वाले हैं कुछ शॉपिंग। खाने वाला लंच में क्या बनाएगी? लंच में पता नहीं, आप बताओ क्या खाओगे? कुछ भी बना दे यार। कुछ भी में क्या? कुछ भी खा लेंगे भाई। ठीक है फिर मैं बना दूंगी पनीर भुर्जी। खाओगे? पनीर भुर्जी बना दे। इतने में आप सब लोग कमेंट करके बताओ, बेबी बॉय हुआ तो क्या नाम होना चाहिए, बेबी गर्ल हुई तो क्या नाम होना चाहिए, क्योंकि आपके हमारे को वैल्यूएबल इनपुट्स चाहिए। अच्छे अच्छे नाम सुझाव करना आज के जमाने के लिए, ताकि हमारा बेबी जब बड़ा हो तो ये बोल के ना करे मम्मी क्या ये मिचको और पचको हुआ नाम रख दिया। ठीक है, इसलिए बढ़िया सा नाम जोरदार ढूंढ के रखना और हमें कमेंट में फटाफट से बताना कि क्या नाम होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट तो मैं कर चुका था, लेकिन अब सौम्या दोपहर का लंच बना रही है और बहुत यम्मी आज लंच बनने वाला है। क्या बनने वाला है पता नहीं, कुछ सरप्राइज है, लेकिन जल्दी से मुझे खाने को मिलने वाला है। ओट्स बहुत ज्यादा यम्मी थे और बहुत ही ज्यादा यम्मीलिशियस। फ्रेंड्स अब मैं दोपहर का लंच कर चुका हूं और अब शाम हो चुकी है और हमारा प्लान है रील्स बनाने का, जिसमें आज कुछ हम रोमांटिक नंबर्स को कवर करने वाले हैं, जिसकी रिहर्सल्स हम करने वाले थे और गाने बहुत ज्यादा शानदार होने वाले हैं आज रील्स के, क्योंकि आज हमारे को एक खास बात करनी है रील्स में, जो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे जाके पता चलेगी। आप फटाफट से दक्ष वर्सेस सौम्या वाले इंस्टाग्राम आईडी को ढूंढ लो इंस्टा पे जाके, ताकि आपको पहले हमें रिहर्सल करनी है। चलो लोगों को भी दिखाते हैं कि हम रिहर्सल कैसे करते हैं रिहर्सल। हाँ। जब हम बनाते ना उसमें तो हम लोग, मैं पीछे चला जाता हूँ इसको और फिर मैं सेट करता हूँ लिप्स के साथ, लेकिन पता है क्या, हम है ना रिहर्सल कम करते हैं, हम फाइट ज्यादा करते हैं। हाँ हमारी फाइट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पता क्या होता है, मोया जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता, मैं इसके गाने पे रेडी नहीं होता है, मेरे गाने पे रेडी नहीं होती है। फिर ये कहती है इस गाने को हम रोमांटिक बनाएंगे तो मैं कहता हूँ हाफ एन आवर बनाएंगे, ये कहती है इस गाने को हाफ एन आवर बनाएंगे तो मैं कहता हूँ रोमांटिक बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को हमारे हाफ एंड हाफ अच्छे लगते हैं या फिर रोमांटिक वीडियोस अच्छे लगते हैं, वो भी बताओ, क्योंकि हमारी रोमांटिक वीडियो जब भी हम बनाते हैं उसमें हमारी बहुत ज्यादा फाइट होती है। हाँ ये कहती है ऐसे क्यों खड़े हो गए, वैसे क्यों नहीं खड़े हो गए, गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, एसी चल रहा है फिर भी इतना पसीना रहा है। आपके यहाँ कितना कितना टेम्परेचर है जरूर बताना। तीन चार दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी है यार, इन तीन चार दिनों में तुम्हारे यहाँ भी गर्मी बढ़ गई है कहीं, किसी यहाँ देश में बारिश हो रही है तो आप जरूर कमेंट करके बताना, जहाँ भी देख रहे हो फेसबुक और यूट्यूब पे बारिश भेज देना। अच्छा ठीक है ठीक है, तो शुरू करते हैं, इनको भी दिखाते हैं कि कैसे करते हैं, तो देखेंगे पहले हमें मुझे स्टैंड बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे रिहर्सल्स के वक्त ना ये मुझे बोलती है कि आप ना मतलब ज्यादा मूवमेंट मत करना, रोमांटिक होते हुए ना आप एक काम करना कैमरे को मत देखना, रोमांटिक होते हुए कैमरे को देखना है, नहीं आप मेरे को देखना, मैं ऐसे देखता हूँ, फिर कहती है मुझे क्यों देखा। तो फाइनली मुझे स्क्रिप्ट बताती है कि गाना ऐसे है कि आपको ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा, थोड़ा सा मुझे घुमा लेना और फिर ऐसे करना। आप बताओ आप लोग रील्स बनाते हो तो कैसे कैसे करते हो, तू बता कैसे करती है, इनको बता कौन से गाने पे बनाएंगे वो। सूरज हुआ मध्यम चांद जगने लगा, उसमें मुझे क्या करना है, मेरी कहानी तो बता दे। क्योंकि मैं अगर कुछ आगे पीछे कर दूंगा तो मुझे डांट पड़ सकती है। नहीं मैं बताती हूँ कौन सा गाना है। ये सूरज हुआ मध्यम चांद जगने लगा, आजकल जो गाना चल रहा है उसपे हम बनाते हैं ना बुग्गू है। ओ मेरे बुग्गू है, ओ मेरे बुग्गू ओए, तेनु लव यू मिस यू किस यू हग यू बुग्गू ओए, कुछ ऐसे कुछ ऐसे ही होता है। देखो हमारे वाले तो कुछ ऐसे ही होते हैं जब हम रील्स, और जब हम हाफ एंड हाफ पे बुग्गू करते हैं ऐसे, तो फिर मैं ना इसको ऐसे करता हूँ, फिर मैं ना इसे सेट करता हूँ, फिर हम बताते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, फिर मैं ना इसको सेट करता हूँ ऐसे करके, ऐसे चेहरे को आगे पीछे करके, फिर ना हल्का सा पीछे से सपोर्ट रखता हूँ यहाँ से कि आगे पीछे ना भागे, मेरे बालों को ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ लेता ताकि आगे पीछे ना भागे, क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसे सेटिंग करता ना तो सेटिंग करते वक्त ना आगे पीछे हो जाता है, फिर क्या है साबी कभी सामने कैमरामैन भी होते हैं, कभी कभी तो हम खुद ही बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी कैमरामैन भी होते हैं, तो उस सिचुएशन में तो वो पूरा मैनेज कर लेता है, भैया आप देख लो ऐसे ऐसे सब ठीक हो रहा है, उसमें तो रिवर्स कैमरा भी नहीं करना पड़ता फ्रंट वाली साइड से, लेकिन इस वक्त वो जब गाइड करता तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस वक्त बहुत झगड़ा होता है, ये कहती है नहीं ऐसे नहीं, मेरे को ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, मेरा थोड़ा सा लिप्स ऊपर होंगे थोड़े नीचे होंगे, और इसमें इतना ज्यादा झगड़ा होता है, एक वीडियो जो एक मिनट में बनना चाहिए वो 10 मिनट में बनता है।
मतलब हमेशा मैं ही झगड़ा करती हूँ। नहीं नहीं मैं क्या झगड़ा? आप यार आप मेरा कहना मान लिया करो ना, फिर आप उधर देख रहे होते हो कभी इधर देख रहे होते हो, ऐसे क्यों करते हो? आज इसको एक नई ड्रेस भेजी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसमें हम शूट कराएंगे बहुत ही जल्दी, इसमें हम शूट कराएंगे बहुत ही जल्दी, बहुत प्रिटी ड्रेस है ना सौम्या, ये बहुत सुंदर पीच कलर का गाउन भेजा है इसे, जिसके लिए इसको शूट कराना अनिवार्य है, तो हम फटाफट से इसका शूट कराएंगे। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। ये है वैसे कुल मिला के ना, ब्रांड का नाम छुपाऊंगा क्योंकि पहले भी पैसे नहीं आए हैं, ये ड्रेस है ठीक है, तो ये वाली बात है, ड्रेसेस आ गई हैं, पैसे भेज दो, हम वीडियो भी बना लेंगे क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो एक वाला शॉट में को याद है, ऐसे आप इधर हो ना, ठीक है मैं इधर आऊंगी, ये उधर क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ देखना, यही तो मसूरी है सारी, मैं उधर ये देख रहा हूँ कि जो तूने मूवमेंट करी है वो ठीक आई कैमरे में कि नहीं, तो वो तो कैमरे में कैप्चर हो जाएगी। चल चल दोबारा, आपको यार मेरा कहना मानना था, ऐसे इधर नहीं देखना, कहना मान मान के तो इतना बड़ा आदमी बन गया। अब सही कराई क्या मैंने, बताओ फटाफट। नहीं ऐसे नहीं, फिर है ना आपको मुझे ऐसे ही लेना है, कैसे लेना, ऐसे कमर पे हाथ रखना है। अच्छा उधर क्यों देख रही हूँ, तो मैं उनसे भी तो बात कर रहा हूँ ना, तो उनसे एक बार हम रिहर्सल करके दिखा रहे हैं ना, चलो चलो एक बार उधर देखना जरूरी है। सॉरी अब मेरी कमर पे हाथ रख लेना ठीक है, ऐसे। ये सही हुआ है क्या? मुझे नहीं लग रहा ये वाला सही हुआ है, क्या है तू बता तो रही हूँ, फिर आप बता दो ना, खुद तो बताते नहीं हो। एक भी एक देख, मेरे को लगता है एक पीछे से हाँ, पोज देते हैं ये वाला, दूर से आओ फिर एकदम से, मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ। हाँ ठीक है ऐसे लेते हैं, फिर ना यूं फिर यूं, ये यूं मेरा वाला अच्छा है ना दोस्तों, पहली बार कोई ठीक ठाक बताया, बढ़िया बताया, ये कौन सा बढ़िया हुआ। चल एक रोल वाला करके दिखाता हूँ रोमांटिक गाने पे, ठीक है। मतलब हद है यार, बेइज्जती पे बेइज्जती करवा रहे। उठा तो मैं सिलेंडर भी लूं, तू क्या चीज है, उठा के मजाक कर रहा हूं, मैं उठा के पता है क्या हमारा है ना, एक ब्लॉग आप लोगों ने देखा, प्रैंक इसने, जिसमें इसने मुझे उठाया है, लिफ्टन कैरी, लिफ्टन कैरी वीडियो आप जाके जरूर देखना, इसने मुझे गोद में उठाया ऐसे ऐसे, और मैंने ऐसे पुशअप किए, पुशअप होते हैं ऐसे, मैंने पुशअप नहीं लिफ्टिंग करी है, लिफ्टिंग। अच्छा हां हां, मैंने ऐसे लिफ्टिंग करी है ऐसे, और ऐसे चेस्ट नीचे कर गए, हां 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 याद, और ऐसे भी होता है, मैंने इनको ऐसे उठाया ऐसे, और ये मुझे उठाई नहीं पाए, झूठ मत बोल क्या? वो मैंने वीडियो बनाने के लिए नहीं उठाया, इसको मैं 50 बार उठाया। हाँ लिंक डाल देना उसको, मैं उठा रही हूँ, झूठ क्यों बोल रही है, झूठ मत फैलाओ प्लीज, इस देश में झूठ मत फैलाओ, मैं तो उठाया कि नहीं, बस यार आप मुझे धक्का नहीं दे सकते। चलो ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना, अब समय आ चुका है हमारे रील्स वीडियो बनाने का, और हमारी खुशखबरी वाला वीडियो, गुड न्यूज वाला आपने चेक करा, आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हमने खुशखबरी दी है, और इसके ब्लॉग हॉस्पिटल का, एम्स जहाँ हम गए थे कल परसों, उसका भी हमने व्लॉग बना के डाला है। आज के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि समय आ चुका है, शाम हो चुकी है रिहर्सल्स करने का, और मैं फटाफट से फिर रील्स बना लेता हूँ, फिर रात का संडे का दिन है तो कहीं पार्टी पुटी करेंगे, इट्स पार्टी टाइम ऑन संडे, बिकॉज आज हम ये वीडियो संडे को बना रहे हैं। रुको रुको एक जाते जाते इनको बता देते हैं, आप दूर से आओ। अच्छा हाँ ऐसे आओ, आके मेरे फोरहेड पे किस करना, पसीना आ रहा है। क्या यार ऐसे कौन करता है, यार मैं क्या करता हूँ। ठीक है तो दोस्तों, हम फिर से आएंगे एक नए व्लॉग के साथ, हो सकता है हमने संडे को व्लॉग बनाया मंडे को अपलोड हो, लेकिन आज शाम खत्म हो जाएगी, उससे पहले हम कुछ पार्टी शादी धमाल कर लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी लव यू। जाते जाते कमेंट जरूर करना, और इंस्टाग्राम आईडी पे हमें डक्स वर्सेस सौम्या के नाम से, यूट्यूब फेसबुक, यूट्यूब इंस्टाग्राम कहीं भी ढूंढ सकते हो। बाय बाय, फेसबुक पे बाय बाय।